गुड मॉर्निंग। मैं तो सोचा था अच्छा सा शॉट लूँगा, लेकिन इतनी हवा है इधर जो कि कैमरा ही गिर गया। तो आज है 17 दिसंबर और मैं हूँ क्यूरियोसिटी बैकपैक के हॉस्टल में, और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रहे हैं और काफ़ी सनी डे है यहाँ पे और बहुत ज़ोर से हवा चल रही है। ये मेरा माइक भी घूम जा रहा है, कैमरा भी गिर जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आज का प्लान है, आज तो मैं अकेला हूँ, अभी तक कोई भी नहीं मिला है हैंग आउट करने के लिए, या कोई भी नहीं, काउच सर्फिंग में भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो फिर मैंने यहीं से ब्रेकफास्ट ले लिया है, 25 रैंड्स का ब्रेकफास्ट आ रहा है। 25 रैंड्स कुछ 100 some changes रुपए होंगे। सो ऑल गुड, रात को नींद बहुत अच्छी हुई। और अभी मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से वॉक करके एक स्ट्रीट फ्ली मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट, तो वहाँ जाऊँ, और उसके बाद वहाँ पे एक मॉस्क है। तो ये दो चीज़ें मैंने देखी है और मैं आज बनी चाव ट्राई करने वाला हूँ, जो यहाँ का कुजीन है, जो इंडियंस के द्वारा बनाया गया था बहुत पहले। तो ये तीन आइडियाज़ हैं, उसके बाद क्या करना है नहीं पता। आसपास जहाँ वहाँ पहुँच चुका वहाँ पे पूछ के कुछ आइडिया बना लूँगा। तो लेट्स सी, अभी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और उसके बाद फ्रेश होके निकलते हैं विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ, विक्टोरिया मार्केट की तरफ, कुछ भी। होप फॉर द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड थिंग्स वुड बी पॉजिटिव। या तो हो गया मैं रेडी, और ये है मेरा हॉस्टल का एग्ज़िट। यहाँ से मुझे नीचे जाना है, और गूगल मैप्स, वैसे तो मेरे पास इंटरनेट है, फिर भी मैंने ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ से मैं गूगल मैप्स को ट्रैक करते हुए विक्टोरिया जाऊँगा। मैं विक्टोरिया मार्केट, विक्टोरिया स्ट्रीट, और वहाँ पे घूमूँगा। तो स्ट्रीट की कुछ ऐसी हालत है, धूप है, लोग हैं, और मैं ज़्यादा स्ट्रीट्स पर रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। मैंने अपना बैग सामने लगा लिया एज अ सेफ्टी मेजर्स, पीछे लगाने से कोई भी चपट सकता है, कोई भी खींच सकता है, तो सामने रखने से एटलीस्ट वो ख़तरा नहीं रहता है। और कैमरा मैं रखूँगा अंदर, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ कैमरा निकालूँगा और रिकॉर्ड करूँगा। स्ट्रीट्स पे कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करना सेफ नहीं है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अब चलते हैं, बाय बाय। 17 December 2019 ऑन डर्बन स्ट्रीट। निकलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच सर। कम हियर, टेक अ फोटो ऑफ प्लीज। या ओ दिस इज ग्रेट, एंड देन टेक दिस वन टू। ओ दिस इज ज़ेब्रा, एंड द अपर वन सर स्प्रिंग बक। दिस ज़ेब्रा, दिस इज आल्सो स्प्रिंग बक। नो, दिस इज ब्लेस्ड बक। ओके, स्प्रिंग बक। दिस वन्स आर ऑफ आईवरी, but not for sale, not for sale. Oh, no, it's illegal to sell. We're not allowed to sell. This is also typical African. Okay.
here. Made by the Zulus, yeah. But actually it's not made in South Africa. This is made in Kenya. Kenya, okay. But very beautiful. But this is not allowed to sell. Only for show. Only for show. Okay. And these also? They are for sale. Yeah. Okay. So they are the homes of Kudu. Kudu? Kudu. Mm-hmm. Kudu is a... Okay, so it's a kind of deer? Yeah. Okay, great. Here. Oh, okay. This is a blessed buck. Okay, this is a blessed buck, okay. That's fine, sir. Nice to meet you. Samshi yeah? Road. Samshi Road. I'll catch that Uber. Yeah? Thank you, sir. See you. कुछ इंडियन लोग मिल जाते हैं तो फिर वो बड़े खुश होते हैं लोगों से बात करके करना भी चाहिए मैं और तीन चार लोगों से बात कर रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो अब टाइम आ गया है कि उन्होंने बोला है कि शमशी रोड में एक टेंपल है उसको विज़िट करो तो मैं एक बार गूगल मैप्स में चेक करूँगा वो कितना दूर है तो उसके बाद डिसाइड करूँगा कि रियली जाना चाहिए या नहीं अब मैं इस मार्केट से बाहर निकलूँगा तो फिर मुझे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा ये लोग भी बोल रहे थे मुझे कि अगर तुम्हारे पास ये कैमरा है तो स्ट्रीट्स पे लेके मत घूमो इसको बैग के अंदर डाल दो तो अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता इसको बैग के अंदर डालना चाहिए ओवरऑल ये था कुछ विक्टोरिया मार्केट और मुझे काफ़ी इंडियंस मिले यहाँ पे लिखा हुआ था कि पहले ओनली इंडियंस थे लेकिन अभी बहुत सारे अफ्रीकन्स भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं इंडियंस मतलब 90% गुजरात से लोग हैं और कुछ लोगों से बात भी हुई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया अजीब सा लगता है वो लोग थोड़े एजड हैं वो लोग समझते नहीं हैं कि रिकॉर्डिंग क्या होती है यूट्यूब क्या होता है तो मैं एक्चुअल डिस्कशन करना चाहता था वो कैमरे के सामने वो सही डिस्कशन आता नहीं है तो वो भी बता रहे थे कि वो भी इंडिया जाते हैं और उन्होंने बताया कुछ डिटेल्स कि ये डर्बन है डर्बन में इतने सारे इंडियंस हैं ये सबसे ज़्यादा डेंस जगह है तो ये है मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और नीचे है ये मार्केट सारा